जम्मू कश्मीर पुलिस ने टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट की हत्या का मामला 24 घंटे के अंदर सॉल्व करने का दावा किया है। न्यूज एजेंसी ANI ने कश्मीर जोन के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार के हवाले से बताया कि टीवी कलाकार अमरीन भट्ट की जघन्य हत्या में संलिप्त आतंकवादी एनकाउंटर में ढेर कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि कश्मीर घाटी में बीते 3 दिनों में जैश ए मोहम्मद के 3 और लश्कर ए तैयबा के 8 समेत कुल 11 आतंकवादी मारे गए हैं। पुलवामा के अवंतीपोरा में गुरुवार देर रात सुरक्षा बलों की कुछ आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 आतंकी ढेर हो गए। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक ये दोनों वही आतंकी हैं जिन्होंने अमरीन भट्ट की हत्या की थी। कश्मीर जोन के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने बताया कि मारे गए दोनों आतंकवादियों की पहचान शाहिद मुश्ताक भट्ट और फरहान हबीब के रूप में हुई है। इन्होंने लश्कर ए तैयबा कमांडर लतीफ के निर्देश पर टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट के खिलाफ वारदात को अंजाम दिया था। दोनों हाल ही में आतंकी संगठन में शामिल हुए थे। पुलिस के मुताबिक मारे गए आतंकवादियों के पास से एक AK-56 राइफल, 4 मैगजीन और 1 पिस्तौल बरामद की गई है। वहीं श्रीनगर के सौरा इलाके में मुठभेड़ में मारे गए लश्कर के 2 आतंकवादियों की पहचान शाकिर अहमद बाजा और अफरीन आफ्ताब मलिक के रूप में हुई है। इनके पास से हथियार और गोला बारूद समेत आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। आतंकियों का निशाना बनी अमरीन भट्ट टीवी एक्ट्रेस होने के साथ सोशल मीडिया स्टार थी। देश में टिकटॉक पर प्रतिबंध लगने से पहले वो इस प्लेटफॉर्म पर अपनी वीडियो को लेकर काफी मशहूर हुई थी। बड़गाम के चदूरा में बुधवार को आतंकवादियों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। अमरीन भट्ट के भाई ने बताया था कि रात 8 बजे घर पर 2 लोग आए और उन्होंने अमरीन भट्ट को बुलाया कि एक जगह शूटिंग पर चलना है। जैसे ही अमरीन घर से बाहर निकली उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी थी। गोली लगने से मौके पर ही अमरीन की मौत हो गई। गोलीबारी में अमरीन का भतीजा फुरहान जुबैर भी घायल हो गया, जिसे सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। इस घटना के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरकर सर्च ऑपरेशन चलाया था।